हजूर भाई नज़र आ रहा है, सज्जाद अहमद इसका नाम है। हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 मंथ से राशन दे रहे हैं, लेकिन हम इस तक नहीं पहुंच पाए। कभी इसकी भाभी आ जाती थी, कभी इसकी बहन आकर राशन ले जाती थी, हम इन्हें कॉल पर बुला लेते थे। आज अचानक हमारा जब चक्कर लगा तो हमने देखा ये भाई ख़ुद मज़दूरी करके, इतना खुददार इंसान है कि ख़ुद मज़दूरी करके खाता है। माशाल्लाह, मैं इस भाई को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, तो मेरी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप इस भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं फिर उसी डिसेबल भाई के पास, सज्जाद अहमद के पास। जब हम यहाँ आए हैं तो ये भाई साथ घर के साथ ही निकलता है, गुड़ वगैरह बन रहा है। ये भाई वहाँ पर काम करता था, मजदूरी कर रहा था वहाँ पर बैठ कर। वहाँ पर इसको 200-300 रुपये पर डे देते हैं, ये वहाँ बैठ कर मजदूरी वगैरह करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके भाई अपने सज्जाद के पास पहुँचे हैं जो कि डिसेबल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो राशन है, हम अपनी माँ नजमा सलीम की तरफ से नवंबर का राशन इस फैमिली तक पहुँच रहा है। सो मेरी देखने वाले तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, अब जहाँ पर भी ऐसे फ़र्द देखें जो खुददार हो, अब देखें कि ये भाई यहाँ पर गन्नों वाली मशीन पे काम वगैरह करके, मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता है। भाई क्या हाल है, ठीक हो? तो वैसे ठीक है, तो क्या करें बेटा, हमें काम करें ना, काम करें। अम्मा जी ये वहाँ पर क्या करता है? ये चूल्हा जलाता है, वहाँ पर गुड़ बनवाता है, वहाँ चूल्हा वगैरह जलाता है और गुड़ वगैरह बनाता है। जी जी। कितनी मजदूरी देते हैं इसको? 200-300 दे देते हैं, जो अपना खर्चा चलाता है। अच्छा, 200-300 रुपए देते हैं जिससे ये अपना गुजर बसर करता है अकेला ही। जी, क्योंकि इसकी शादी तो नहीं हुई, अकेला ही है। जी अकेला है, हमारे साथ होता है। अच्छा, माशाल्लाह आप इसकी किफालत वगैरह, खाना वगैरह आप देते हैं? जी जी, हम देते हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो मेरी माँ, ये ना मेरी माँ है नजमा सलीम, आपने उनके लिए दुआ करनी है। ठीक है मेरी माँ, जिनकी तरफ से ये राशन इस भाई को मिला है, नवंबर का राशन है, ठीक है, आपने हमारी माँ के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको खुश रखे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती हैं। आप याद करें, और जो वो इस सब के लिए करती है वो भी उसको और ज़्यादा दे। आमीन आमीन, और उसको सेहत दे। आमीन। सो मेरी माँ, ये फैमिली आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए दुआएं करेंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपका दिनों कबूल फरमाए और अल्लाह पाक आपको इस काम का दुनिया और आखिरत में रिवार्ड अता करे। अल्लाह पाक आपको मज़ीद ऐसे नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक दे। मेरी देखने वाले तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, आप जहाँ पर भी ऐसे बहन भाई, ऐसे भाई देखें जो कि खुददार हों, खुद कमा कर खाते हों, तो आप उनकी हौसला अफजाई किया करें, क्योंकि इंसानियत के नाम हम सब का फ़र्ज़ है कि हम जहाँ पर भी ऐसे लोग देखें उनकी ज़रूर थोड़ी ना थोड़ी ज़रूर सपोर्ट करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।